ये इसका शेप और इसका कलर कॉम्बिनेशन। पत्ती होती जाएगी, ये छोटी ये काम की बात है, बहुत वीडियो स्किप मत करिएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कला दीदी में। और जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी सुंदर पत्तियाँ जिनको देख करके ही मन प्रसन्न हो जाए एवरी टाइम, सुबह दोपहर शाम। ये अभी फूल अपने स्विंग पर है, बारिश से इनका कलर बहुत खिल गया है और एक भी पत्ती जली हुई नहीं है क्योंकि इनको पूरा पानी लगा है। और धूप में आते ही धूप संपर्क में थोड़ा थोड़ा बर्न होने शुरू हो जाएंगी ये, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, इसको बोलते हैं कैना लिली और इसका और भी नाम है, जैसे लिली कह देते हैं आम भाषा में, कैना लिली तो है ही और इसको जय कली भी कहते हैं और केली एक सिंपल नाम है, केली नाम से भी इसको पुकारते हैं। और ये कई तरह की आती है, जैसे ये ग्रीन कलर में भी आती है, बिल्कुल सिंपल ऐसा ग्रीन कलर होता है, उसमें येलो फूल और ऑरेंज ये वाला कलर भी आता है। एक आती है पर्पलिश कलर की, जैसा ये वाला कलर होता है बिल्कुल सेम ऐसा ये कलर होता है, डार्क होता है काफ़ी सांवला कलर, पर्पलिश कलर होता है। और उसमें आती है डार्क रेड कलर की, रेड कलर के सॉरी फ्लावर आते हैं उसमें, ग्रीन में ऑरेंज और येलो और ऐसी पर्पलिश में डार्क रेड कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें ऑरेंज आते हैं। और भी ग्रीन कलर की कैना लिली में रेड कलर, येलो कलर और वाइट पिंक कलर में भी आती हैं, जो हमारे इंडिया में लगभग नहीं मिलती है पिंक और वाइट कलर की, हमारे यहाँ पर यही अमूमन कलर मिलते हैं। और ये वेरीगेटेड में मानते हैं जो कलर हैं इसके ऐसे लाइनिंग में, तो अगर फ्लावर भी नहीं आते हैं तो ये कलर से ही अपना खूबसूरती चारों ओर बिखेर देता है, अट्रैक्ट करता है ये इसका शेप और इसका कलर कॉम्बिनेशन। ये पत्तियाँ ही अगर बढ़ती रहें तो भी बहुत खूबसूरत लगता है, ऐसा लगता है कोई क्रोटॉन है, कोई कलरफुल प्लांट है। तो इसमें अभी फुल इसका सीज़न है फ्लावर आने का गर्मी में, बट गर्मी में इसको शेड में हम रखें, अगर तेज़ धूप डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेगी तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं और बिल्कुल पत्ते जल जाते हैं, चाहे ग्रीन कैना लिली हो चाहे ये वाला हो वेरीगेटेड वाला। और इसमें मॉइस्चर हमेशा मिट्टी में बना रहना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं देना है, हमारी सोगी बिल्कुल गीली मिट्टी होगी तो ये गल भी सकता है, मतलब हमेशा इसके मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। और ज़्यादा तेज़ धूप में हम रखेंगे नहीं, जैसे मैंने बताया तेज़ धूप में जल जाएगी पत्तियाँ, और शेड में रखें तो एकदम ग्रीन रहेगी और सुंदर भी लगती है। और इसका जो जिसमें फूल आता है, ऐसे तो पत्तियाँ बढ़ती रहती हैं इस तरीके से, ये नई लीव्स आएगी, ये देखिए ये नई लीव आ रही है, लेकिन ये जो आता है बीच में इसको बोलते हैं स्टॉक। तो इसी में से ही ये देखिए छोटी पत्ती होती जाएगी, ये छोटी, इससे ये छोटी पत्ती होगी फिर छोटी पत्ती और इसमें कहीं जा कर के फ्लावर आता है। और एक ही स्टॉक में कम से कम 7-8-10 तक फ्लावर आते हैं, जैसे ये देख लीजिए इसमें पहला फ्लावर आया है, दूसरी 3-4-5-6-7-8 इसमें फ्लावर है। अब इसके सूख जाने के बाद में 2-3 ये काम की बातें, बहुत वीडियो स्किप मत करिएगा आगे, ये 2-3 बहुत ही काम की बातें हैं, कम लोगों ने ही आपको बताई होगी, कम सुनने में आया होगा, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब ये स्टॉक पूरे फ्लावर देते उसके बाद में आप नीचे से ये मेन जो शाखा है इसको नीचे से कट कर दें, क्योंकि इसमें फिर दोबारा फूल नहीं आएंगे। कट करने से क्या होगा, जो एनर्जी ये हमारी स्टॉक खाएगी वो नीचे से और राइजोम्स और स्टॉक्स आएंगी, तो उसमें फ्लावर ज़्यादा आएंगे, बढ़त ज़्यादा होगी हमारी स्टॉक्स की। दूसरा, जब फ्लावर आ चुके हों, अगर हमको बीज लेने हैं, इसकी ग्रोइंग स्टेम बाय स्टेम भी होती है, जैसे एक आपने पौधा लगाया साइड से ही दूसरी और बढ़ती जाएगी, फिर तीसरी बढ़ती जाएगी, उसको सेपरेट करके हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको उगाने का, ग्रो करने का, जड़ से, कि अदरक जैसी होती है इसकी जड़ और वहाँ आँखें होती हैं, उसकी जड़ को कट करके जो आँखें हैं उसको हम मिट्टी में लगा देंगे, उससे भी हम ग्रो कर सकते हैं। ये दूसरा है, पहला स्ट्रोक बाय स्ट्रोक, और दूसरा है राइजोम्स यानी कि जड़ों द्वारा, और तीसरा है इसका
जो कि बहुत कम लोगों ने बताया होगा आपको कि जब ये हमको अगर बीज से उगाना है, इसके बीज होते हैं। तीसरा है ग्रो करने का बीज। अब जब ये हमको बीज चाहिए तो स्टॉक को हम कट नहीं करेंगे, जब फूल चले जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर एक गांठ बनती है, बिल्कुल हरे रंग की होती है, उसमें दाने 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 कांटे तो नहीं होते हैं, बट लाइक वैसे ही जैसे जीरो 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 डॉट 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 डार्क ग्रीन कलर की होगी, यहाँ गांठ बन जाएगी और उस गांठ को ग्रीन होती है पहले, उसके बाद में हम सूखने दें उसको, फिर सूखने के बाद में वो डार्क कलर की हो जाएगी, ब्राउन काली पड़ जाएगी, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, उसको तोड़ के रख लें। उसमें बीज होते हैं, उन बीजों से हम बारिश के समय या गर्मियों में ग्रो कर सकते हैं, शेड में धूप नहीं पड़े तो आराम से ग्रो हो जाता है और बारिश आने तक उसमें फ्लावर भी आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तीन प्रकार से ग्रो हम इस प्लांट को कर सकते हैं। और इसके सॉइल की मैं बात करूँ, साधारण मिट्टी में भी हमारे राजस्थान में ये अच्छा ग्रो करता है, बहुत ही अच्छा। मैंने कभी खाद नहीं दी है, मेरे एक ही मैं लगा देती थी, अभी तो बहुत कम है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे मेरे पास, जब मेरे को नॉलेज भी नहीं थी प्लांट्स की, प्लांट्स का बट कहीं अंदर शौक था। तो इसमें हम डालेंगे एक पार्ट साधारण मिट्टी ले लीजिए और एक पार्ट हम बजरी ले लेंगे रेत, और एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट खाद का ले लेंगे, तीनों को मिक्सर करके उसमें इस प्लांट को लगा देंगे। और पेस्टिसाइड का अटैक मैंने कभी देखा नहीं है, बट फिर भी जैसे पानी रुक जाता है तो इसमें कई बार छेद वगैरह हो जाते हैं या पैचेस बन जाते हैं, तो आपकी बर्न बीच में से होने लग जाएगी, पत्तियाँ कुछ इस तरह के सिम्टम्स आपको दोनों तरफ देखेंगे, तो कभी मिलते हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर लीजिए आप, या ग्वार पाठे को पीस करके उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि हमारे प्लांट को ग्रोथ भी देता है, चमक देता है और पेस्टिसाइड भी ख़त्म होते हैं। ग्वारपाठा ये बहुत सारा मैंने मिट्टी में लगा रखा है। बारिश में इसका फुल स्विंग बढ़ने का टाइम है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तक मेरा बढ़ चुका है और बीच बीच में ये मीराबिलिस जलापा सदाबहार बीच में उग रहा है। अगर इसमें मैं थोड़ी खाद डालती हूँ तो इसकी ग्रोथिंग बहुत डबल हो जाएगी। मैंने एक बारी कहीं से लाकर के ये लगाया था और हमेशा फूल दिए हैं, आने शुरू हो गए हैं इसमें फूलों की बहार। आप इस प्लांट को अगर गार्डन में या दीवार के सहारे बिल्कुल लाइन से लगा देंगे तो एक लाइन आपकी प्लांट्स की नज़र आएगी, बहुत खूबसूरत होंगे। दूसरे गमलों प्लांट्स का ज़रूरत नहीं है, एक ही काफ़ी है। और इस पौधे में ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, साल में आप वर्मी कंपोस्ट एक बार दे देते हैं या गोबर लिक्विड। गर्मियों में ध्यान रखिएगा गोबर की खाद ना दें, क्योंकि काफ़ी गर्म होती है, अगर डी कंपोस्ट उसका अच्छे से नहीं हुआ है तो हमारे पौधे को वो बर्न भी कर सकती है, तो इसलिए लिक्विड खाद दें ज़्यादा अच्छा है, या गोबर की बहुत पुरानी खाद होनी चाहिए तो वो हमारे प्लांट को ग्रोथ भी देगा और चमक देगा। NPK का स्प्रे कर सकते हैं, इसमें आप DAP डाल सकते हैं, और बारी बारी जो आप चाहें वो इसमें खाद डाल सकते हैं, बट ज़्यादा गर्म गर्मी में ना डालें, सर्दी में तो चल जाएगा गर्म खाद। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, मेरे वीडियो शेयर करिएगा, लाइक करिए, अपना प्यार भरपूर देते रहिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।